हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं दीपक रोहिला आपका स्वागत करता हूं मनी मंत्रा के एक और यूट्यूब वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो अपने सब्सक्राइबर हैं, जो अपने ब्रांड एम्बेसडर हैं, सर मैं उनका तहे दिल से मैम सर ईच एंड एवरीवन जो 2600 सब्सक्राइबर हैं उनका तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा। और कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखो, हमारे सब्सक्राइबर हैं 2600, व्यूज़ काफ़ी कम आते हैं, शायद कंटेंट अच्छा नहीं है हमारा। किसी वीडियो में आ जाते हैं 1000 प्लस, 700, इसमें भी करीबन 1000 हैं, तो शायद हमारा कंटेंट अच्छा नहीं चल रहा है। एक रीज़न ये हो सकता है। दूसरा, वीडियोस पे आप लोग देखते हैं बट लाइक नहीं करते हैं, उससे इम्प्रेशन ठीक नहीं जाता जो नए लोग जुड़ते हैं उनके लिए। वीडियो पे देखते हैं, कमेंट नहीं करते हैं आप लोग। कमेंट करेंगे, कुछ प्रतिक्रिया दिखाएंगे कि आपको कैसा लगा है, आपको कैसा नहीं लगा है, तो वो बहुत ज़रूरी है सर चैनल के लिए, चैनल की ग्रोथ के लिए, आपके व्यूज़ और रिव्यूज़। तो प्लीज़ सर उसमें कंजूसी ना करें। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ ऐसे स्टॉक्स जो 50 रुपीज़ to 70 रुपीज़ में ट्रेड करते हैं, और एक अपॉर्चुनिटी है पोर्टफोलियो में ऐड करने के। स्टॉक्स हैं, 3 से 5 साल का टाइम रहेगा इन्वेस्टमेंट होरिजन। अगर आप 3 से 5 साल इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इन कंपनीज को कंसिडर कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। मैं यहाँ पे अपना व्यू दे रहा हूँ, आप इनको नोट करके अपने एनालिसिस भी कर सकते हैं। मेरी कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको बाय करना ही करना नहीं सर। आप इसको रिव्यू कीजिए, व्यू कीजिए, फंडामेंटल चेक कीजिए कंपनी के अपने तरीके से। मैं अपने तरीके से कर चुका हूँ, आप भी करें। चलते हैं सर स्टॉक्स की तरफ। एलटी फूड्स, दावत, ये स्टॉक आपने सुना होगा, आपने ट्रेड भी किया होगा। मैंने पहली बार एलटी फूड यहाँ पे बाय किया था सर, जब ये इस रेंज को ब्रेकआउट कर रहा था। मेरी 32 रुपीज़ की बाइंग है, तो समय के साथ स्टॉक बढ़ा है, स्टॉक साइडवेज भी गया है, ब्रेकआउट्स भी आए हैं, फिर साइडवेज गया है। एक बार ब्रेकआउट आया था बट वो फेक ब्रेकआउट हो गया, ये फेक ब्रेकआउट हो गया, ये ब्रेकआउट कंसीडर रुका ही नहीं वहाँ पे ऊपर स्टॉक। अभी स्टॉक चल रहा है 80s पे, तो मुझे क्या लगता है कि एक बार ये जो लेवल है ना 73, 75 यहाँ पे आ सकता है, तो यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है इसमें। अभी मत बाय करना, आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे और 73-75 के अराउंड बाय करना कुछ क्वांटिटी, और फिर बाकी कुछ बाय करना आप 63-65 पे। तो ये दो लेवल हैं बाइंग करने के, आप मिस मत करना यहाँ पे इसको। 63-65 इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन चुका है अभी, तो लेट्स सी कि ये 73 से वापिस जाएगा या 63 से वापिस जाएगा। तो यहाँ दोनों लेवल पे बाइंग करनी है अपने को और होल्ड करके बैठना है। स्टॉक काफ़ी अच्छा है, अपना व्यू 2-3 साल प्लस का है सर इसके अंदर। अपनी इन्वेस्टमेंट अभी भी मोर, देखो 32 से यहाँ पे 90 में जब गया था तो ट्रिपल तो हो गया था पैसा, बट हमने 50% शेयर्स निकाल चुके हैं हम यहाँ पे। बाकी 50% बचे हुए हैं, उनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है अपने को। नेक्स्ट स्टॉक है सर नेटवर्क 18। नेटवर्क 18 सर हमने जब पहली बार डिस्कस किया था आप लोगों के साथ तो यहाँ पे किया था 55 रुपये 56 रुपये के लेवल पे। उसके बाद स्टॉक ने ये जो दो कैंडल्स हैं ना, इन दो कैंडल्स में पैसे डबल हो गए थे लोगों के, तो ये बहुत जल्दी हो गया। इतना जल्दी मैंने नहीं बोला था, मैं सोचा था कि यहाँ से एक साल लगेगा, बट ये 2-3 महीने के अंदर ही हो गया। तो वैसे वापस से ना बाइंग अपॉर्चुनिटी मुझे नज़र आती है इस लेवल पे। ये जो 60 लेवल है ना, 69, 65 से 70 के लेवल है, यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी नज़र आती है मुझे। यहाँ पे आए स्टॉक तो डेफिनेटली आप कंसीडर कर सकते हो बाय के लिए। 65 और 60 के लेवल को, ये यहाँ से वापस गया है स्टॉक, तो ये यहाँ पे रुक रहा है। तो देखते हैं सर ये यहाँ पे हमको कितना दे सकता है रिटर्न। मैं इन्वेस्टेड हूँ सर, मेरा व्यू काफ़ी मतलब लॉन्ग के लिए 3 से 5 साल रुकेंगे और 200 160 से 200 तक के टारगेट है अपने,
तो लेट्स सी कि ये हमारे लिए कैसे ग्रो करता है पैसे को। नेक्स्ट हो गए अपना राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर आरसीएफ। आरसीएफ स्टॉक सर देखो यहाँ पे इस वाले वीक के अंदर बाइंग थी अपनी, 70 रुपीज़ से इन्वेस्टेड हैं इसके अंदर, अभी बहुत दूर गया नहीं है। पहला टारगेट और दूसरा टारगेट इसने अचीव किया था, तो डेफिनेटली जैसे मैं बोलता हूँ कि पहले टारगेट पे भी कुछ सेलिंग करनी है, दूसरे टारगेट पे भी कुछ सेलिंग करनी है, तो सेलिंग की थी, तो वापस से ये अपॉर्चुनिटी है फिर से एक बाय करने की। अगर ये वापस से अपने को 80-82 के आसपास मिलता है, अभी 93 पे ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है कि शायद ये 80s में आ सकता है, 80 के आसपास आए तो बाय करना है। और 69 70 का स्टॉप लॉस रखना सर, इससे नीचे जाएगा ना वीकली क्लोजिंग में 70 से नीचे जाता है तो हमको एग्जिट करना है, 80 के अराउंड इसको बाय करना है। और टारगेट अपने 2 से 3 साल में डबल प्लस के टारगेट हैं सर, तो इसको अच्छा स्टॉक है, 2-3 साल का समय दीजिए, पैसे को बनाएगा। और बाइंग अभी नहीं करनी है, ये आप ध्यान रखना, बाइंग अभी नहीं करनी है। बाइंग हम करेंगे, पहली बाइंग 83 पे आसपास बाई करेंगे, दूसरा 65 के अराउंड बाई करेंगे, 69 के अराउंड बाई करेंगे, और ये जब इसको ब्रेक करेगा तो एग्जिट करना सर यहाँ पे, डेफिनेट यहाँ पे रुकना नहीं है फिर। 1670 को ब्रेक करता है तो यहाँ से चले जाएंगे हम निकल के, और थोड़ा सा सेफ रखना चाहते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना ही है, तो यहाँ पे ये जो ना ये वाला जो लेवल है यहाँ तक के लिए वेट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, एल्स स्टॉप लॉस 69-70, इन्वेस्टमेंट 80 के आसपास। नेक्स्ट हो गया सर आईबी रियल। देखो ये स्टॉक कभी 200 प्लस भी ट्रेड करता था, अभी भी 200 टच करके आया है ये रिसेंटली भी, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ये 75 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, 75 पे बाय करके आप बैठ सकते हैं। 60 का स्टॉप लॉस रखिए सर, 60 का, ये जो 60 की लाइन है ये अपना स्टॉप लॉस रहेगा, इसको मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ, 60 का स्टॉप लॉस है। 75 पे आप बाई कीजिए, हमको यहाँ से इनको मैं ग्रीन कलर कर देता हूँ, जहाँ पे हमको लगता है कि अपने टारगेट आ सकते हैं ये वाले। और 200 तो इन टारगेट के साथ आप इन्वेस्टेड हो सकते हैं सर यहाँ पे, ये स्टॉक भी 2 से 3 साल में अपने को पैसा डबल करके दे सकता है। 75 राउंड है अभी, यहाँ पे आप इसको बाई कर सकते हैं 70 के, 70 से 75, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है सर 60 रुपीज़ का, 60 रुपीज़ को ब्रेक करता है तो हमको एग्जिट करना है, फिर वापस देखेंगे यहाँ पे 35-40 वाले लेवल पे। नेक्स्ट होगा सर कैल्टन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस। यहाँ पे देखो ये स्टॉक यहाँ पे एक सपोर्ट बनाता हुआ लग रहा है, अभी बाइंग नहीं करनी है, रीजन मैं बता देता हूँ कि ये डेली कैंडल हम देख रहे हैं, अभी डेली कैंडल में ये देखिए ये डाउन ट्रेंड डाउन की तरफ जा रहा है, तो बाइंग अपने को करनी है यहाँ पे लेवल पे 67, ये लेवल है बाय करने का, और अपना स्टॉप लॉस रहेगा 55 का। ये 55 वाली लाइन को मैं रेड मार्क कर देता हूँ आपके लिए, ताकि 55 हमारा एग्जिट पॉइंट है, स्टॉप लॉस है 67 के अराउंड, हमने एंट्री लेनी है सर। ये लाइन में डिलीट कर रहा हूँ ताकि भ्रमित ना हो हम लोग, तो अभी एंट्री नहीं लेनी है, 65-67 के अराउंड एंट्री लेनी है। 55 का हमारा स्टॉप लॉस है, 99 और 122 की टारगेट है, और 150 तक भी अपने को ये ले जा सकता है स्टॉक, इसको भी ग्रीन मार्क कर देता हूँ मैं, ये लीजिए वो पीछे ग्रीन कैंडल, ये वीकली कैंडल 6 में चले जाते हैं। तो ये व्यू है सर अपना कैल्टन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस के लिए, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखो इस आज के वीडियो में कोई भी स्टॉक अपना ना शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, ये स्टॉक सारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हैं, आप
कंसीडर कर सकते हो अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में, जिसमें आप 2-3 साल प्लस के इन्वेस्टमेंट करने वाले हो। नेक्स्ट स्टॉक है सर प्रसिशन वायर। अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 65, ये 674 अराउंड ट्रेड कर रहा है। 65 तक मिलता है तो हम बाय कर लेंगे, 54-55 का स्टॉप लॉस रखेंगे। उस स्टॉक में अपना टारगेट रहेगा सर 90-120, ये नियर टर्म टारगेट है। 120 को ब्रेक करेगा तो विल सी कि ये आगे कहाँ तक ले जा सकता है, हम रिव्यू फिर से करेंगे इसको। तो इस स्टॉक में भी कुछ क्वांटिटी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है सर HFCL लिमिटेड। ये देखते हैं आप यहाँ से ये रेंज, इस रेंज में ही ट्रेड कर रहा है स्टॉक, बट इसको ब्रेक भी नहीं कर रहा है 57 वाले लेवल को। 57 वाला लेवल ब्रेक होता है तो हमको एग्जिट करना है इसको। और थोड़ा सा करें तो ये 55 वाला लेवल है सर, इसको ब्रेक करता है वीकली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे इससे नीचे क्लोजिंग जाती है तो हम एग्जिट करेंगे। 60 अराउंड हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहला टारगेट तो अपना यही है सर, ये पोल का, ये फ्लैग का जो ब्रेकआउट आएगा ये वाला लेवल 90s, यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो डेफिनेटली हम 130 और 150 के लिए सोच सकते हैं, ये स्टॉक अपने को बना के दे सकता है पैसा। तो ये स्टॉक्स हैं सर, आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए, अपनी डायरी में नोट कीजिए। कल फिर से मैं आपके लिए लेके आऊँगा स्टॉक्स जिसमें जो 50 रुपये से नीचे हैं, अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। एक स्टॉक में पिछले वीक में भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, काफ़ी अच्छा है, बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है, आने वाला HDFC बैंक हो सकता है वो फ्यूचर का, तो वो मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो ऐसे ही शेयर्स मैं आपके साथ कल शेयर करने वाला हूँ जो 50 रुपीज़ से नीचे हैं, क्वालिटी स्टॉक्स हैं जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सेम सर जो स्टॉक्स में अब इस वीडियो में बताया वो भी इन्वेस्टमेंट प्लान से हैं। आपको अभी इन 7-8 स्टॉक्स से प्लान करना है कि आप किन स्टॉक्स के अंदर रहने वाले हैं, वो थोड़ा सा वर्किंग आउट आपको करनी है। तो आज की वीडियो में सर इतना ही था। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैम आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा है, स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, तो अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे वीडियो को शेयर कर सकते हैं। इट विल बी ग्रेट हेल्प फॉर मी। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग मनीमंत्रा। मनीमंत्रा में बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ और प्रे करता हूँ कि आप अपना वीकेंड अपने दोस्तों के साथ अच्छे से मनाएं।